काफ़ी टाइम पहले मैंने एयरपेस इंडस्ट्रीज पे एक वीडियो बनाया था जब ये 5 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था। वहाँ से स्टॉक ने अभी तक 60 का हाई बनाया है। कई सारे सब्सक्राइबर इस कंपनी के ऊपर एक अपडेटेड वीडियो की डिमांड कर रहे थे, तो आज का ये वीडियो उन्हीं सब्सक्राइबर्स के लिए है जो इस कंपनी का सारा अपडेट्स जानना चाहते हैं। 2024 में कंपनी ने जितने भी अपडेट्स दिए हैं उन सभी अपडेट्स को आज देखेंगे। जो लोग पहली बार इस स्टॉक का नाम सुन रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, एयरपेस इंडस्ट्री एक ऐसी कंपनी है जो फ्लाइंग कार के कंसेप्ट पे काम कर रही है। इस प्रोजेक्ट्स के 4 मेन पार्ट है ऐसा हम लोग कह सकते हैं। 1 इज सुपर विंग, सुपर कार, नेक्स्ट एयरडॉक और लास्ट एयरबर्स। इन सभी के बारे में मैंने इस वाले वीडियो में पूरी डिटेल में बात किया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2 फेब को कंपनी ने ये अनाउंसमेंट किया कि एयरपेस ने रॉयल डायमंड प्लस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट किया है और साथ ही एयरपेस इंडस्ट्री यूएई में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग बेस और आरएनडी सेंटर बनाने जा रही है, जिसके लिए ये कंपनी उन्हें हेल्प करेगी। मई 2024 में कंपनी ने 26 करोड़ का फंड रेज किया था, फिर जुलाई में इसे बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया। अगस्त में कंपनी के तरफ से बड़ी अपडेट्स देखने को मिला। पहली न्यूज ये था कि कंपनी अपने पुणे आरएनडी सेंटर को रीएलोकेट कर रही है। सेकेंड न्यूज ये था कि कंपनी ने न्यू फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया है फॉर सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली फैक्ट्री और ये जनवरी 2025 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इससे कंपनी के रेवेन्यू में कुछ नंबर समय देखने को मिलेगा। फिर एक और बहुत बड़ी न्यूज आता है कि एयरपेस हैव एक्वायरिंग एन एडवांस ईवी कार प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी फ्रॉम बर्लिन मोटर यूएसए। वी आर थ्रिल्ड टू रिपोर्ट दैट द एक्विजिशन इज कंप्लीटेड। दिस मार्क्स ए क्रिटिकल माइलस्टोन इन आवर मिशन टू रिवोल्यूशनाइज ट्रांसपोर्टेशन। कंपनी ये खुद बता रही है कि ये एक्विजिशन एक मेजर माइलस्टोन है इस प्रोजेक्ट के लिए। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के 4 मेजर कंपोनेंट के बारे में बताया था, जो था सुपर विंग, सुपर कार, एयरडॉक और एयरबर्स। न्यूज ये है कि कंपनी ने कैबॉक इंजीनियरिंग के साथ कोलैबोरेशन किया है टू डेवलप एयरविंग प्रोजेक्ट। कैबॉक इंजीनियरिंग इज ए लीडिंग फार्म विथ एक्सटेंसिव एक्सपर्टाइज इन ड्रोन टेक्नोलॉजीज टू एक्सीलरेट द डेवलपमेंट ऑफ लार्ज साइज ड्रोन कैपेबल ऑफ कैरिंग ए लोड ऑफ 1.5 टन। ये बहुत बड़ी न्यूज है इस प्रोजेक्ट के लिए। अगली न्यूज ये आता है कि एयरपेस की जो सब्सिडियरी कंपनी है यूएई में, जिसने डिस्ट्रीब्यूटरशिप एग्रीमेंट किया है मिडिल ईस्ट की एक प्रोमिनेंट कंपनी के साथ जो इनके लार्ज साइज ड्रोन टेक्नोलॉजी और एयरविंग को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अगस्त में कंपनी ने पुणे आरएनडी सेंटर के बारे में बताया था और फाइनली अक्टूबर में दशहरे के मौके पे उस सेंटर के बारे में अपडेट हमें देखने को मिला। सेंटर बिल्कुल बनकर रेडी है और कंपनी ने इसका फोटो रिलीज किया है, आप देख सकते हैं। अब हमें नेक्स्ट न्यूज का वेट करना है कि कंपनी यहाँ पे क्या करने वाली है। तो दोस्तों, ये था इस ईयर का टोटल अपडेट्स। डेफिनेटली कंपनी बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, चाहे आप एक्सपेंशन की बात करें या फंड रेज की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें। कंपनी अपने इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जो हो सकता है कर रही है। इन सभी चीजों से हमें यही पता चलता है कि कंपनी सिर्फ बोलने वाली नहीं है, रियल में वर्क कर रही है। अब बात करते हैं कि अभी इन्वेस्ट करना कैसा रहेगा। देखिए, कंपनी का ये साल बहुत अच्छा गया है, कंपनी ने काफ़ी सारे अपडेट्स दिए हैं। अगर नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही अपडेट्स देखने को मिलता है तो डेफिनेटली बाय किया जा सकता है। एक चीज़ के लिए मैं आपको यहाँ पे वार्न करना चाहूँगा कि ये कंपनी न्यूज़ के बेसिस पे चल रही है, न्यूज़ आया तो चलेगा, नहीं आया तो नहीं चलेगा। ऐसे में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की हो सकता है, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत ही छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए, ताकि अगर आपका सारा कैपिटल लॉस हो भी जाता है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।